ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਕੋਈ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਮਾੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਖਾਧਾ ਹੋਣਾ ਕੁਛ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਪਾਊਡਰ ਖਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਰੇ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਮਨਾਮ ਹੈ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਓ। ਲਵ ਯੂ ਸਰ। तुम्हारा क्या मानना है बॉडी बिल्डिंग को एज अ स्पोर्ट लेके? बिकॉज क्या है ना, हाल ही में आपको पता है सतनाम भाई की डेथ हुई है, एनाबॉलिक, वो कई लोगों उन पर इल्ज़ाम, कई लोगों ने मेरे को कई मैसेज आ रहे सर एनाबॉलिक से हुआ होगा। तो मेरा लोगों का यही मानना होता है, यही मेरा समझाना होता है कि भाई कभी भी कोई बॉडी बिल्डर, कभी भी किसी की भी बॉडी बिल्डर की डेथ हो, डेथ तो हमारे हाथ में है नहीं पहली बात तो, राइट। किसी को भी इल्ज़ाम लगाना कि उसने कुछ ले के उसकी डेथ हुई, अगर नॉर्मल आदमी मरता है 31 साल की उम्र में तो वो नॉर्मल है, वो नेचुरल डेथ है। लेकिन जब बॉडी बिल्डर मरता है तो उस पर एक गलत तरीके की तोहमत लगाई जाती है, इल्ज़ाम लगाया जाता है, राइट। तुम्हारा क्या मानना है रिकी इस चीज़ को लेकर, इस परसेप्शन को लेकर? बिकॉज मैं मानता हूँ ये बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। तुम्हारा क्या मानना है इसको लेकर? भाई ये तो देखो गलत है ही, क्योंकि देखो अब आए दिन कितने लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से भी कितने यंग लोग भी मर रहे हैं। बट अगर किसी बॉडी बिल्डर की डेथ होगी जैसे आप कह रहे हो, तो मैं सतनाम भाई से कभी मिला नहीं हूँ, बट मैं उनको काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ इंस्टाग्राम पे, काफ़ी अच्छी बात भी है, मेरी एक दो बारी टेक्स्ट पे बात भी हुई थी उनसे। तो उन्हीं की एक वीडियो थी, मतलब जैसे वो बोल रहे थे कि अगर आप जैसे आप कुछ नहीं होते सूखे से, वो बोला कि छोटे छोटे मतलब आप कुछ नहीं होता लाइक लीन से हो, तो लोग बोलते हैं कुछ खा लिया अगर, कुछ खा लिया, फिर जब कुछ आप बन जाते हो तो लोग होते हैं वही लोग बोलते हैं फिर तुमने टीके लगाए होंगे, अपने पाउडर खाया, ये खाया, वो खाया। पंजाबी में वीडियो था। हाँ, ये मैं यही बताना चाहता हूँ कि यार आप ना ये सब मत करो लाइक क्राउड पीपल्स है, जो जैसे लोग बोलते हैं कि आप बॉडी बिल्डर्स को ब्लेम करते हैं इस चीज़ के लिए कि हार्ट अटैक आ गया तो वो एनाबॉलिक से होगा, ज़रूरी नहीं है, उसको कोई इंटरनली और भी प्रॉब्लम हो सकती है। और यार आपकी ये आपकी बात की, मतलब ये हमारे हाथ में तो है नहीं कि कम मरेंगे कम नहीं, है कि नहीं। सो मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप ये सब मत बोलो किसी बॉडी बिल्डर के बारे में, उनकी फैमिली को उल्टा आप सपोर्ट दो, सपोर्ट करो उनको थोड़ा, लाइक वो भी शौक में ही है, उनकी फैमिली पूरा पिंड शॉक में है फिर, और ऊपर से आप उस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो तो ये कितनी गलत बात है। और कोई भी किसी की भी डेथ हो गई, कभी भी उसके बारे में बात बोलनी ही गलत होगी कि यार उन्होंने तो ये लिया होगा वो लिया होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिकॉज ये लोग मुझसे काफ़ी सवाल कर रहे हैं, आई थिंक रिकी भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, सतनाम हालांकि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं थे वो, राइट। कभी भी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने के लिए या एक प्रोफेशनल एथलीट बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ दाव पे लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको लाइफ में रिस्क लेना ही पड़ता है अगर आपको अबव एवरेज से नॉर्मल से ऊपर उठना है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अगर नॉर्मल लाइफ चाहिए ना, अगर आपको वही कि यार नॉर्मल रहेगी, इतनी इसी में 20 मिनट ट्रेनिंग करूँगा, इतना ही खा सकता हूँ, मैं तो डाइटिंग नहीं कर सकता, मैं तो ये करूँगा, तो आप नॉर्मल बन के रहोगे। सो ये एथलीट्स एक्सट्रीम जाते हैं सो दैट दे कुड बिकम दैट एक्सट्रीम एथलीट। और क्यों? ताकि घर का खर्चा चल सके, ताकि उनको एक नाम मिल सके, नाम के साथ वो अपनी आने वाली जिसे कहते हैं ना फैमिली को सपोर्ट कर सके। ये कोई शौक के लिए नहीं होती कि वो चीज़ें ये ले रहे हैं वो ले रहे हैं, राइट। ये एक लाइवलीहुड है, एक ये ज़िंदगी है, रिस्पेक्ट दैट। दैट्स द रीज़न कि मैं तभी बॉडी बिल्डर्स को आई ऑलवेज प्रमोट दिस स्पोर्ट, कि यार इस स्पोर्ट को ना आगे लेके जाना है, इसको गंदा नाम नहीं देना कि वो ये लेते हैं वो लेते हैं।